हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। थोड़ी दिक्कत, मेरे बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं बना नहीं पा रहा था वीडियो। आज मैं ना एक एप्लीकेशन है जो म्यूजिक गुरु के नाम से है, इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। बहुत काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन है, इसके लिए मुझे अच्छा लगा ये वीडियो। इसके लिए मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को बताऊं कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़, जो म्यूजिक से रिलेटेड ये वीडियो है। तो जो म्यूजिक से जिसको प्यार होगा, लव होगा, वो तो देखें, बाकी जो जिन्हें कोई मतलब नहीं म्यूजिक से, वो नहीं देख सकते। इसमें क्या है कि जितने भी मोबाइल से म्यूजिक हम बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल से कोई भी एप्लीकेशन आ गया, एफल स्टूडियो ले लिया चाहे या क्यूबेसिस ले लिया, तो आप सीधा गाना ही बना देंगे। तो दिक्कत यह है कि उसके लिए एसकेल, सबको पता है कि म्यूजिक थ्योरी पे ही काम होता है मैक्सिमम, तो एसकेल का नॉलेज होना ज़रूरी है, कॉरस का नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी ये एप्लीकेशन जो है ना, ये एप्लीकेशन इतना अच्छा है, इसमें आप देखेंगे, ये देखिए सामने लिखा हुआ एसकेल, ये इस पे एसकेल के बारे में आपको मिल जाएगा क्या है, कौन सा एसकेल है, क्या है, कैसे बजता है। और यहाँ जो कीबोर्ड दिख रहा है ना, जैसे यहाँ प्ले करेंगे तो देखिए ये दिखाएगा कि हाँ ये सी मेजर में है, सी मेजर में है, ये सी नेचर मेजर में है। ये चीज़ तो हो गई उसकी एसकेल, एसकेल है ये। और इसमें अगर कॉरस देखना हो तो होम पे क्लिक करके कॉर्ड देखिए, कॉर्ड में आपको ये दिखाएगा, कॉर्ड में देखिए कौन कौन सा इसमें, जैसे मेजर, मेजर के में थ्री पे कौन सा बजेगा। आप उसके बाद ये सिंगल की, तो ये काफ़ी मतलब म्यूजिक थ्योरी के हिसाब से परफेक्ट एप्लीकेशन है। एसकेल यहाँ से देख लीजिए, कोर्स यहाँ से प्रोग्रेशन देख लीजिए, स्टूडियो देख लीजिए। और यहाँ इसमें सबसे अच्छा मुझे मेट्रोनॉम लगा, इसका मेट्रोनॉम इतना अच्छा है, जैसे टाइम सिग्नेचर होता है, बहुत लोगों को पता होगा टाइम सिग्नेचर में होता क्या है कि बीपीएन के हिसाब से देखते हैं कि टाइम सिग्नेचर 4x4 में है, 4x6 में है, 4x8 में है। तो इसमें क्या है ना, काउंटिंग जो है ना, काउंटिंग के लिए इसमें परफेक्ट बताता, जैसे देखिए 4x4 की काउंटिंग, और उसके बाद अगर ना 4x8 की काउंटिंग हो गई तो देखिए इसका मेट्रोनोम इतना बढ़िया है ना कि आप जैसे इसको मुझे 2x8 में करना हो, देखिए इसका मेट्रोनोम बहुत अच्छा है। उसके इसके अलावा एक चीज़ और इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो है कि अगर हम किक चेंज करना है तो ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि मेट्रोनोम के अलावा अगर स्टूडियो में हमको तीनों चीज़ बजाना है, जैसे सी मेजर में ये है और मुझे कोरस के साथ बीट भी बजानी है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया होगा। देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रम चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मैं चेंज कर सकता हूँ सेटिंग में जाके, यहाँ पे मैं साउंड जैसे यहाँ पे है तो किक भी ले सकता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं ये ये
सबसे इसकी सबसे बड़ी खासियत है ना कि आप जैसे कोई भी लीड ले लीजिए, किसी भी लीड को ले लीजिए, किसी भी हो उस पे सी मेजर सी माइनर जो भी लेना हो ले लीजिए, उसके अलावा बीट भी ले लीजिए और कंप्लीट बीट ले लीजिए, उसके बाद मेट्रोनोम भी ऑन कर लीजिए, मतलब कंप्लीट आपको ये गाइड कर देगा कि म्यूजिक थ्योरी में क्या क्या है, कैसे है, स्केल क्या है, कोर्स क्या है, कैसे की लिया जाता है। जैसे स्केल में आप देखेंगे तो यहाँ नीचे में की दिखा रहा है, की बता देगा, फिर उसके बाद कितने ढंग के पैटर्न हो सकते हैं, सी मेजर में क्या है, सी माइनर में क्या है, सी, मतलब सारे स्केल दिए हुए हैं। तो ये इस मामले में ये एप्लीकेशन बहुत मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो मैं बना दूँ। ये एप्लीकेशन बहुत वाकई में बहुत बढ़िया है, आप एक बार इसे डाउनलोड करके यूज करके देखें, आपकी थ्योरी जो है ना म्यूजिक थ्योरी इसे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।